हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे सोलर सेल के बारे में। यह जो टॉपिक है यह हमारे सोलर पीवी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीज हम समझ जाए कि सोलर सेल बनता कैसे है और यह काम कैसे करता है, तो हम पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे कि कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और कैसे हम उसको आगे डिलीवर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलर सेल होता क्या है। तो दोस्तों, जो सोलर सेल होता है वह एक ऐसा डिवाइस है जो कि सनलाइट को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं होता, यानी कि अगर हम सोलर सेल पे सनलाइट गिराते हैं तो वह सनलाइट हमारे सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सोलर सेल यह करता कैसे है कि जैसे हम उस पर सनलाइट डालते हैं वह उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सोलर सेल बनता कैसे है, आखिर उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वह किन किन मटेरियल से बनता है। तो सबसे पहले तो अगर हम सोलर सेल आप देखे होंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर सोलर सेल को आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ब्लैक कलर में, और अगर आप बैक व्यू में देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, यानी अगर बिल्कुल फ्लैट, उस पर कोई भी हम स्ट्रिंग नहीं लगाते। तो अब ये बनता कैसे है, तो अगर हम बात करें तो सोलर सेल होता है वह हमारे सेमी कंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनता है। यानी कि अगर हम एक एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल को एक साथ जोड़ते हैं तो तैयार होता है हमारा सोलर सेल। यानी जो हमारा सोलर सेल होता है उसमें एक एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल को जोड़ दिया तो जंक्शन बनता है। जंक्शन के ऊपर, यानी कि जो सोलर सेल होता है उसको हम ऊपर की तरफ एन टाइप मटेरियल लगते हैं, नीचे की तरफ पी टाइप मटेरियल लगते हैं। दोस्तों, एक चीज और ध्यान देनी होती है कि जो हमारा एन टाइप वाला हिस्सा होता है वो पी टाइप की अपेक्षा बहुत पतला होता है। इसका एक रीजन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी मेक द एन टाइप थिन देन द पी टाइप। इससे पहले ये जान लें कि इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई है। तो एक एन टाइप मटेरियल होता है, एक पी टाइप मटेरियल होता है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो बनता है पी एन जंक्शन। दोस्तों, उसके बाद हम एन टाइप मटेरियल के ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग डालते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग डालने का पर्पस ये होता है कि यह मटेरियल जो है हमारे सनलाइट यानी फोटॉन्स जो आती है सनलाइट में उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करे, अब्सॉर्ब करे। उसके ऊपर दोस्तों बनाते हैं एक फिंगर स्ट्रिप मेटालिक कोटिंग। आप अगर फ्रंट व्यू सोलर सेल का देखते होंगे तो कुछ वैसे वैसे टाइप के ऐसे दिखते हैं आपको फिंगर स्ट्रिप टाइप के, या दोस्तों मेटालिक कॉन्टेक्ट होता है। मेटालिक कॉन्टेक्ट हम सोलर सेल पे इसलिए बनाते हैं ताकि हम टर्मिनल्स को सेपरेट कर सकें, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल में जनरेट हो रही है उसको हम बाहर निकाल सकें। तो एन टाइप हिस्से में जो मेटालिक कॉन्टेक्ट बनाते हैं वो हम फिंगर स्ट्रिप टाइप बनाते हैं। इसका भी एक रीजन है दोस्तों कि व्हाई वी मेक द फिंगर स्ट्रिप मेटालिक कॉन्टेक्ट, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पी टाइप हिस्से को देखें तो पी टाइप में हम फुल मेटालिक कॉन्टेक्ट बनाते हैं, यानी कि अगर ये मेटालिक कॉन्टेक्ट चाहे हम सिल्वर का बनाए, निकल का बनाए या कॉपर का बनाए, जो सबसे अच्छा मेटल होता है वो हम इस पे क्या करते हैं, डालते हैं। दोस्तों, तो फिर अगर ये मेटालिक कॉन्टेक्ट हमने कहा कि इसलिए डालते हैं ताकि हम टर्मिनल्स को क्या कर सके, सेपरेट कर सके, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सोलर सेल में इतनी इतनी सारी चीजें होती है। एक बार फिर से हम रिवाइज करा दें कि जो सोलर सेल होता है वह एक एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल से मिलकर बना होता है। एन टाइप वाला हिस्सा ऊपर होता है, पी टाइप वाला हिस्सा नीचे होता है। एन टाइप के ऊपर एक हम एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग बनाते हैं ताकि हम लाइट को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर सके, यानी कम से कम हमारी लाइट क्या हो, वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो। दूसरी चीज, आप एन टाइप हिस्से पे एक फिंगर स्ट्रिप मेटालिक कॉन्टेक्ट बनाते हैं जो कि इस तरीके से हमारा दिखता है। इसके बनाने का एक पर्पज है, जब हम इसकी वर्किंग समझाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि व्हाई वी मेक द फिंगर स्ट्रिप टाइप। और नीचे पी टाइप हिस्से में हम फुल बैक मेटालिक करते हैं, यानी जो ये आपको दिख रहा है यह फुल मेटालिक कॉन्टेक्ट है, यानी जो पी टाइप हिस्सा होता है उसके नीचे हम क्या करते हैं, फुल मेटालिक कॉन्टेक्ट बना देते हैं। और यह मेटालिक कॉन्टेक्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम टर्मिनल्स को, यानी जो पॉजिटिव और या नेगेटिव टर्मिनल्स होता है सोलर सेल को, हम उसको सेपरेट कर सकें। अब बात आती है कि यह काम कैसे करता है, यानी जब इसमें सनलाइट पड़ेगी तो यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें एन टाइप हिस्से की तो हम जानते हैं कि एन टाइप हिस्से में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप हिस्से में अगर हम बात करें तो पी टाइप हिस्से में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो
दोस्तों अगर मान लो कि हमने इस पे सनलाइट यानी फोटोन है, अगर फोटोन इंसिडेंट कराते हैं यानी फोटोन गिरती है, तो जो फोटोन गिरती है हमारी, जो फोटोन हमारी गिरती है वो एन टाइप हिस्से पर गिरती है, क्योंकि हमने कहा कि जब हम एन टाइप और पी टाइप को जोड़ते हैं तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एन टाइप हिस्सा होता है, यानी जो फोटॉन्स गिरते हैं वो एन टाइप हिस्से पे गिरते हैं। तो जैसे ही फोटॉन हमारे एन टाइप हिस्से पे गिरता है तो फोटॉन के पास कुछ नई एनर्जी होती है, यानी कि अगर हम बात करें तो फोटॉन होता है, हम कहते हैं इट्स अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी फोटॉन के पास एनर्जी होती है। ये एनर्जी जो होती है हमारे जो एन टाइप हिस्से पे गिरती है, तो जो एन टाइप हिस्सा होता है उसमें जो फोटॉन है उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब की जाती है, यानी ये फोटॉन जैसे ही एन टाइप पे गिरेगा, एन टाइप के जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस फोटॉन की एनर्जी को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। एक्चुअली अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है फोटॉन से इलेक्ट्रॉन को, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। यानी जो फोटॉन है जैसे ही एन टाइप पे गिरेगा, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे क्या होगा, कोलाइड करेगा यानी टकराएगा, जब टकराएगा तो फोटॉन अपनी मोमेंटम हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो फोटॉन की एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू द एक्साइटेड स्टेट, अब उनकी एनर्जी लेवल क्या हो गई, बढ़ गई। अब जैसे ही उनकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, अब वो चाहेंगे कि हम यहां से निकले, ठीक है। जो यहां से इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक कण के द्वारा निकल के हमारे पी टाइप हिस्से में क्या होते हैं, होल्स में जाके डिफ्यूज होते हैं। जैसे ही हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी अगर उसकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, तो वह यह चाहता है कि अपनी एनर्जी को क्या करे, मिनिमाइज करे, यानी अपने एनर्जी को न्यूट्रलाइज करे, ठीक है। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिली फोटॉन की, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के हमारे मेटालिक कण के द्वारा पी टाइप के होल में जाकर क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करते हैं कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द जंक्शन, अब एक हमारा एन टाइप टर्मिनल और पी टाइप टर्मिनल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो टर्मिनल है, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इट क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, यानी उन दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज। यानी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, एन टर्मिनल और पी टर्मिनल के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या जनरेट करेगी, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि कौन सी टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ भाग रहा है, एन टाइप से निकल रहा है और पी टाइप की तरफ क्या हो रहा है, भाग रहा है, यानी इसका मतलब जो हमारा पी वाला टर्मिनल होता है या हायर पोटेंशियल पे होता है, और जो एन वाला टर्मिनल होता है वो हमारा लोअर पोटेंशियल पे होता है। हम ये कह सकते हैं कि पी टाइप जो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड, और जो एन टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, यानी हम वी कैन से द कैथोड, उसको हम कैथोड बोलते हैं, यानी पी टाइप को हम बोलेंगे एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, और एन टाइप को हम बोलेंगे कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने एन टाइप और पी टाइप दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट किया है। अब यह पोटेंशियल का डिफरेंस क्या करेगा, अब जैसे ही इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं तो हमारा पी टाइप से एन टाइप की तरफ एक करंट बहना क्या होती है, शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि पी टाइप हमारा हायर पोटेंशियल पे और एन टाइप हमारा लोअर पोटेंशियल पे। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, अभी हम बाद में इसको रिवाइज भी कर देंगे यानी रिपीट भी कर देंगे ताकि और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। हमारा एक पर्पज ये था कि जो हम ऊपर ये फिंगर स्ट्रिप मेटालिक कॉन्टेक्ट बनाते हैं, तो वाई फिंगर स्ट्रिप, क्यों नहीं हम पी टाइप की तरीके इस पे फुल मेटालिक कॉन्टेक्ट हम बना देते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन दोस्तों ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी जब ये फोटोन की एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
जब निकलेंगे, अगर दोस्तों हम इसको फुल मेटालिक कांटेक्ट बना देते हैं, तो सपोज कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना चाहे तो इसको यहां से लेके ये डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाती है। तो हम क्या किए, हमने ये किया कि हमने हर जगह को डिवाइड कर दिया, यानी हर जगह मेटालिक कॉन्टेक्ट क्या कर दिया, स्ट्रिप टाइप बना दिया। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड होता है तो यहां से निकल जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है वो यहां से निकल जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है वो यहां से निकल जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है वो यहां से निकल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ेगी अगर हम फिंगर स्ट्रिप टाइप मेटालिक कॉन्टेक्ट बनाते हैं। अगर हम फुल मेटालिक कॉन्टेक्ट बनाते हैं तो इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो एनर्जी चाहते हैं वह एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन से नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज, हमने कहा था कि जो एन टाइप की विड्थ होती है वो पी टाइप की अपेक्षा वो क्या होती है, पतली बनाती है। यानी जो एन टाइप हिस्सा हम बनाते हैं वो पी टाइप की अपेक्षा क्या करते हैं, पतला बनाते हैं। दोस्तों इसका रीजन ये है कि अब ये जो फोटोन है ना, इसको हमें एन टाइप हिस्सा क्रॉस करके जंक्शन तक पहुंचना होता है, यानी जंक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक उसको क्या होता है, पहुंचना होता है ना। तो होता क्या है कि अगर हम ये विड्थ चौड़ी कर देंगे तो जो फोटोन इंटर करेगा, जब उसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे है उनको एनर्जी फोटोन की क्या होगी, कम मिलेगी। यानी अगर फोटोन ज्यादा डिस्टेंस कवर करके जाएगा तो कम एनर्जी के साथ जाएगा, और अगर कम डिस्टेंस कवर करके जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रीजन यही है कि एन टाइप को क्या करते हैं, पतला इसलिए बनाते हैं ताकि जो फोटोन है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर ना करना पड़े, ठीक है। तो अदरवाइज हमने सीखा कि सोलर सेल बना कैसे और काम कैसे करता है और यह इलेक्ट्रिसिटी बनाता कैसे, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें देखा कि कोई भी अदर इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं हुआ, फोटोन गिरा और यह फोटोन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया।